हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और ये वीडियो है कल का यानी वेडनेसडे का। दोपहर से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं। बच्चों को ले आई थी और ये चादरें मैंने कल धोने डाली थी, और अभी भी मैं इनको उतारने तो आ गई हूँ पर तीनों तीन अभी तक सूखी नहीं हैं। दो जो थोड़ी हल्की थी वो सूख चुकी हैं और एक अभी भी गीली है। बाय द वे, ज़्यादातर चादरें जो मैं यूज़ करती हूँ वो बॉम्बे डाइंग की हैं। मुझे बहुत लोग पूछते भी हैं कि कौन सी चादर है आपकी, लाइक ज़्यादातर बॉम्बे डाइंग की नहीं है। अभी लेटली मैंने बिग बाज़ार से लाना शुरू किया है। उन लोग के पास एक मैं शायद किसी ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कौन सा ब्रांड है वो, आई थिंक ट्राइडेंट, आई एम नॉट वेरी श्योर, बिल्कुल आप कंफर्म मत कीजिएगा। लेकिन बहुत अच्छे वाले बेडशीट हैं ये, कलर्स प्रिंट्स तो अच्छे हैं ही, थ्रेड काउंट भी बहुत अच्छा है। तो रूम वगैरह मैं बाद में ठीक करूँगी, पहले मैं ये जो बथुआ है ना ये साफ़ करके रख लूँ। और इस सीज़न में पहली बार मैं बथुआ का कुछ बना रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे गुजरात में बथुआ सरसों वगैरह उतना इजीली नहीं मिलते, मिल जाते हैं बट थोड़ा सा घूमना पड़ता है। तो ये जो बथुआ है ये मेरी डोमेस्टिक हेल्प मेरे लिए लेकर आई थी। हम लोग ऐसे ही एक दिन बातें कर रहे थे तो मैंने उसे बोला था कि बथुआ चाहिए था मुझे और मिला नहीं, तो पर उसको पता नहीं बथुआ होता क्या है। तो यहाँ पर गुजराती में इसे बोलते हैं चील नी भाजी। तो वो अपने लिए लेकर आई थी, उसको याद था कि मुझे चाहिए तो वो मेरे लिए भी लेकर आई थी। बाय द वे, ये फ्रेश फ्रॉम फार्म्स है, मार्केट से नहीं लाई है, वो खेत से ही अपने लिए लाई थी तो मेरे लिए भी थोड़ा लेती आई थी। और ग्रीन सब्ज़ियाँ जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ बहुत अच्छी होती हैं हेल्थ के लिए, स्वाद में भी बड़ी अच्छी होती हैं, बट इन्हें साफ़ करने में बहुत वक्त लगता है। तो बथुआ साफ़ कर देने के बाद मैंने तुरंत इसे सोकिंग पे रख दिया है। हमेशा हरी पत्तेदार सब्जियों को थोड़ी देर भिगो के रखा कीजिए क्योंकि इनके पत्तों पे डस्ट जमी होती है जो धोने से नहीं जाती। आप सोख करके रखेंगे तो वो धीरे धीरे सेटल हो जाती है, उसके बाद फिर आप इसे प्रॉपरली धो लीजिए। तो जो बथुआ है वो चला गया है सोकिंग पे और मैं यहाँ बनाने लगी हूँ आज एक केक, टूटी फ्रूटी केक। पहले भी एक शेयर कर चुकी हूँ, ये रेसिपी स्लाइट डिफरेंट है। तो इसके लिए जो घर में नॉर्मल चीनी होती है उसे ही मैं पाउडर कर लेती हूँ। इसके लिए अलग से आपको कैस्टर शुगर या ये वो लाने की ज़रूरत नहीं है, घर के सामान से बहुत अच्छा केक बन जाता है। ये देखिए बथुआ सोक हो गया है, नीचे देखिए कितनी मिट्टी है। बाय द वे, ये जो कढ़ाई आप देख रहे हो इसका मैं कुकिंग में इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी सी है तो सोकिंग वोकिंग के काम अच्छी आती है। अब ये बथुआ मैं अच्छी तरह रिंस कर लूँगी, ज़रा सा भी अगर चूक हो जाती है इसे धोने में तो आपकी सारी डिश ख़राब हो जाएगी, वो किरकली सी हो जाती है, एकदम ऐसे मुँह में किरकिर होता है। इसलिए हरी सब्जियों को हमेशा कई बार अच्छी तरह से धोइए। और इसके बाद ये बथुआ हमको रखना है उबालने के लिए। मैं बनाने लगी हूँ बथुए का रायता, इसके लिए बथुआ चाहिए ठंडा, तो इसलिए वो ही सबसे पहले प्रोसेस कर ले रही हूँ मैं। बथुआ जो है वो उबल रहा है, मीनवाइल मैं केक की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने लिया है एक बोल में 1.5 कप मैदा और इसके सामने 2 टेबलस्पून ये है कस्टर्ड पाउडर, बेसिक वनीला फ्लेवर्ड कस्टर्ड पाउडर। यहाँ मैंने डाला है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, पिंच नमक। अगर आप बटर का इस्तेमाल करते हैं तो नमक ना डालें, मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैंने बटर डाला है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लीजिए। और बेकिंग के कुछ रूल्स होते हैं, आप उन्हें फॉलो करेंगे ना तो आपका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा बेस्ट निकलेगा। पहला रूल तो यही है कि चीज़ों को छानना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ऐसे मत डाल दीजिए। दूसरा रूल कि हमेशा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना उन्हें एक तरफ तैयार कीजिए और जो वेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हें एक तरफ तैयार कीजिए। सभी चीज़ों की एक साथ खिचड़ी मत बनाइए क्योंकि हर चीज़ का एक पर्पस है। तो अभी जो मेरा मैदा का मिक्सचर है वो तैयार हो गया है, उसे अच्छी तरह मैंने मिक्स करके साइड में रख दिया है। और दूसरी जगह मैंने ले लिया है थोड़ा सा टूटी फ्रूटी, इसमें 1 चम्मच मैदा डाल के इसको डस्ट कर लें। ऐसा करने से ये केक में सिंक नहीं होगी, इवनली सब तरफ स्कैटर्ड होगी। तो अभी एक और बोल लिया है मैंने, इसमें 1.5 कप मैदा के सामने 3 चम्मच दही लिया है मैंने, नॉर्मल दही, खट्टा बिल्कुल नहीं चाहिए, 1/2 कप नॉर्मल तेल, 1/2 ही कप कंडेंस्ड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क है 1/4 कप, 1 टीस्पून यहाँ मैंने डाला है वनीला एसेंस। और इसके बाद यहाँ पे आप 4 से 5 टेबलस्पून चीनी का पाउडर ले सकते हैं। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि मैदा कितना है, इसमें हमने कंडेंस्ड मिल्क भी डाला है
तो चीनी कितनी जाएगी। यूजुअली जितनी मैदा होती है उतनी ही चीनी डालते हैं। अगर आप नॉर्मल मीठा खाते हैं, आप कम मीठा खाते हो तो थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे 1.5 कप मैदा के सामने आप 1 कप चीनी ले सकते हो, पर इसमें से उतना चीनी माइनस कर दीजिए जितना आपने कंडेंस्ड मिल्क लिया है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब पाउडर चीनी है तो थोड़ा ऐसे ही मिला लीजिए, बाद में बीटिंग शुरू कीजिए वरना उड़ जाएगी सब तरफ चीनी। थोड़ा सा दूध डालकर बैटर तैयार कर लीजिए। और ये है एक बंट पैन, इसे फ्लूट मोल्ड भी कहते हैं। ये मुझे मायर ने भेजा है, ये नॉन स्टिक है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसके ऊपर मैदा डाल के डस्ट कर लूँगी मैं इसको चारों तरफ, जिससे कि अच्छी कोटिंग तैयार हो जाए। इस पैन को ख़रीदने का लिंक और 15% का डिस्काउंट कोड ऑन MRP डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए है। आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक कीजिएगा। और भी वीडियो में जितने भी मायर के प्रोडक्ट आपको दिखाए जाते हैं उन सब पे भी मेरा डिस्काउंट कूपन चलता है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अभी ये मोल्ड हमारा तैयार हो गया है। अवन मैंने ऑलरेडी प्री हीटिंग पे रख दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए। जो टूटी फ्रूटी थी वो ड्राई इंग्रेडिएंट है, इसलिए वो मैदा में मैंने डाल दिया है। और अब बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है ये, यानी कि ड्राई और वेट को मिक्स करना, क्योंकि इन्हें आप जैसे ही मिक्स करोगे इसके अंदर डाले हुए सारे इंग्रेडिएंट रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। और इसके बाद आपके पास टाइम नहीं होता है वेट करने का, इसलिए जो अवन है उसकी प्री हीटिंग, आपका मोल्ड का प्रिपरेशन सब पहले से करके रखें। यहाँ पर जो बैटर है ये मुझे थोड़ा सा थोड़ा थिक लग रहा था, तो मैंने और ज़रा सा दूध डाला है। दूध मैं कभी भी आपको नहीं बोलूँगी मेजर करके डालिए, हमेशा हिसाब से डालिए, क्योंकि आपके सभी इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है कि आपको कितना दूध लगेगा। जितना मुझे लगा है उतना ही आपको लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस आप देख लीजिए बैटर किस तरह का है, एकदम कड़क बैटर हमको नहीं चाहिए। और फ्री फ्लो तो बिल्कुल मत रखना, एगलेस केक फ्री फ्लो बैटर के नहीं बनते हैं। और सैटिन कंसिस्टेंसी भी मत रखिएगा वरना बहुत आपको मुश्किल पेश आ सकती है। ये जो मोल्ड है इसमें मैंने सारा बैटर पोर कर लिया है, टैप करना ना भूलें, अच्छी तरह से इसको लेवल कर लें। और अब ये जाएगा अवन में बेक होने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे एटलीस्ट 30 मिनट्स। सभी अवन अलग तरह से बिहेव करते हैं, इसलिए चेक करते रहिएगा। मटर मैंने उबालने रखा है यहाँ पे, क्योंकि मैं बना रही हूँ तारी आलू मटर का पुलाव। कभी कभी मटर थोड़ी सी खड़ी खड़ी फील होती है पुलाव में, इसलिए मैं उसे उबाल के ले रही हूँ। जब तक मटर उबल रही है ये जो बथुआ था मेरा ठंडा हो गया है, ज़रा सा पानी डालकर मैं इसका प्योरी बना लूँगी। राइस सोक करने के लिए रखूँगी बिकॉज पुलाव के लिए सोक्ड राइस वर्क्स बेस्ट। और मैं हमेशा लेती हूँ बासमती चावल, आप जो चावल डेली में इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। और पुलाव में ना इस तरह से स्लाइस किए हुए प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए स्लाइस करके डालिएगा। बाकी मर्जी आपकी है, अगर आपको फाइनली चॉप चाहिए तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए पुलाव की तैयारी करते हैं। पैन में मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा घी, आप चाहें तो पूरा ऑयल या पूरा घी भी ले सकते हो। और घी का स्वाद चावल के साथ बहुत अच्छा आता है, घी तो ज़रूर ही थोड़ा डालें, तो थोड़ा घी मैंने ले लिया। इसके बाद इसमें खड़े गरम मसाले, और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा तेज़पत्ता, 2 लौंग, 1 छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा, 2-1 इलायची और जो स्टार अनाइस होता है उसके 2 डंडियाँ। और मुझे किसी ने पूछा था कि ये पैन बेहतर है कि जो मेरा दूसरा वाला कैसरोल है फ्यूचर का वो बेहतर है, तो राइस कुकिंग के लिए आई ऑलवेज प्रेफर दिस वाला, क्योंकि ये नॉनस्टिक है तो इसमें कुछ भी चिपकता नहीं है। बाकी वो वाला पैन भी ऑसम है, वो हार्ड एनर्डाइज्ड है, तो डेली राइस कुकिंग में मैं उसे इस्तेमाल करती हूँ। बाय द वे घी में गर्म मसाले डालने के बाद मैंने डाला है थोड़ा शाहजीरा। आपके पास शाहजीरा नहीं है तो नॉर्मल जीरा डालिए, पर शाहजीरे का टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है, बिरयानी पुलाव में उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने डाले हैं स्लाइस ऑनियन, थोड़ा ऑनियन पक जाएंगे तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और अब इन चीज़ों को हमें भूनना है, बहुत लाल करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको पता चल जाएगा कि ये कब भुन चुके हैं। काइंड ऑफ कैरमलाइज हम इन्हें करेंगे, थोड़ा मीठा। बहरहाल पहले ही मैंने इसमें थोड़े से आलू डाल दिए हैं, ये आलू कच्चे हैं। और ये जो पुलाव है ना, आलू मटर का पुलाव, यूपी का एकदम ही स्टेपल है। सर्दियों में तो हर घर में ये आलू मटर का पुलाव विद बथुआ का रायता बनता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल उसी तरह बना रही हूँ जिस तरह मेरी मम्मी वगैरह बनाते हैं। तो आलू और टमाटर इसी तरह काट के डाले जाते हैं, आप चाहें तो सभी चीज़ों को आपके हिसाब से काट लें। मैंने प्याज टमाटर आलू सबको लंबा लंबा ही काटा है। सभी चीज़ों को थोड़ा सा भून लीजिए और इसके बाद इसमें सिर्फ हल्दी और मिर्ची का पाउडर जाएगा।
थोड़ा गरम मसाला मैंने यहीं डाल दिया और अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आपको इसे थोड़ी देर भूनना है और जो मटर है ना वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी थोड़ा सा पकाकर ही लीजिए, क्योंकि वो खड़े खड़े रह जाते हैं। मैंने कभी कभी देखा है जो अच्छे वाले मटर हैं सॉफ्ट वाले वो अच्छे बन जाते हैं, वो मीठे लगते हैं, पर जो कुछ कुछ फलियाँ तो मच्योर मटर की भी होती ही हैं वो थोड़े खड़े खड़े रह जाते हैं। सारी सब्ज़ियाँ डाल के थोड़ी देर भून लीजिए और इसके बाद ये जो चावल हमने सोक करने रखा था कम से कम 20 मिनट ज़रूर सोक कीजिएगा, इसको ऐड कर दीजिए आपके पॉट में। और आपके चावल को जितना पानी लगता है, यूजुअली ओपन पैन में 1 कप के लिए 2 कप पानी लगता है, 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी लगता है, 2.5 भी लग सकता है डिपेंडिंग आप ऑन आपके चावल की क्वालिटी, इसलिए मैं आई बॉल करके ही बनाती हूँ। नमक वगैरह चेक कर लें और जितना पानी आपके चावल को लगता है आपको अंदाज़ा होगा ही, उतना पानी और बिल्कुल ज़रा सी चीनी डाल के इसे पकने रखिए। चीनी इसलिए डालना है क्योंकि सारे जो स्वाद हैं उन्हें हमें बैलेंस करना है, पुलाव मीठा नहीं करना है, तो इसलिए बस आधी चम्मच से भी थोड़ा कम चीनी चलेगी। पुलाव बन रहा है और अब वक्त है रायता बनाने का। तो रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है दही और इसको अच्छी तरह से फेंटिए, इसमें पानी वानी मत मिलाइएगा, ऐसे ही इसको अच्छी तरह से फेंटते रहिए। जब आपको लगे बिल्कुल क्रीमी हो गई है ना दही, तब इसमें आपने जो बथुआ पीस कर रखा है वो मिला दीजिए। और आप कितना आप बथुआ का क्वांटिटी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। और मैं फिर कह रही हूँ पानी मत मिलाइएगा, क्योंकि यू नेवर नो बाद में ये प्रोडक्ट कैसा तैयार होगा। यूँ तो बथुआ का रायता बहुत गाढ़ा नहीं बनता है, इसको पतला करना ही है, पर पानी हमेशा थोड़ा सा लास्ट में मिलाया कीजिए। एक बार सारी चीज़ें एक जैसी दिखने लगे तो आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि मुझे इसे कितना पतला रखना है। इसमें डाला है मैंने सादा नमक, काला नमक, भुना जीरा का पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और अब आपको जिस हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए उतना पानी मिला लीजिए। बथुआ का रायता तैयार हो गया है, लेकिन इसमें बघार लगाना बहुत ज़रूरी है। तड़के के बिना इस रायते का मज़ा नहीं है, क्योंकि बिना तड़के के ना बथुआ का टेस्ट आपको ज़्यादा फील होता है, तो उतना आप इंजॉय नहीं करेंगे इस रायता को। तड़का लगाएंगे ना तो तड़के की वजह से जो बथुआ का जो टेस्ट है और जो उसकी एक फ्रेग्रेंस है वो दब जाएगी और इतना औसम आपका रायता बनेगा मज़ेदार। तो मैं यहाँ पे ना ऑयल में तड़का लगा रही हूँ, आप चाहे तो घी ले सकते हैं, पर घी का तड़का लगाने से वो दही में छोड़ते ही जम जाता है, फिर आपका तड़का अच्छे से मिक्स नहीं होता। ऑयल में थोड़ा सा डाला है मैंने जीरा, राई, हींग, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लीजिए और इसके बाद इसको पैन को गैस से उतार लीजिए, गैस बंद कर लीजिए। और एकदम लास्ट में मिलाना है आपको इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर। और अब ये सारी चीज़ें मिला दीजिए आपके बथुआ के रायते में। और जैसा मैं कह रही थी, यूजुअली दही ठंडी होती है, तो आप अगर घी का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो तड़का आपने डाला है ना ये यहीं पर बैठ जाएगा, जम जाएगा घी, और आप इसे फिर अच्छे से मिक्स नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे साथ इनिशियली बहुत ऐसा होता था कि मैं घी का तड़का लगा देती थी और वो बथुए पे बैठा ही रहता था, बिल्कुल मिक्स नहीं होता था। बाकी मर्ज़ी आपकी, आप चाहें तो सरसों का तेल, घी, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। केक मेरा ऑलरेडी बेक हो चुका था, अब मैंने इसे डीमोल्ड कर लिया है। यूँ तो ये पैन नॉन स्टिक है, पर ज़रा सा नाइफ घुमा के चेक कर लीजिए कि कोई भी साइड चिपकी तो नहीं है। मैं सिर्फ चेक कर रही थी, मैंने इसको स्क्रेप नहीं किया है। ये बहुत इजीली केक पैन में से निकल आता है और ये केक अभी गर्म है, काटना नहीं चाहिए आइडियली, पर आपको दिखाने के लिए मैं काट रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी जालियाँ बनी हैं, कितना ये सॉफ्ट बना है, और टेस्ट मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही अमेजिंग था। आप बनाइएगा, आपको यकीन आएगा कि ये कितना अच्छा था। हमेशा आपका जो केक है वो बेक हो जाने के बाद उसको ठंडा होने के लिए रखिए, क्योंकि ऊपर और नीचे जो ब्राउन क्रस्ट है ना वो कड़क हो जाती है, अंदर का केक सॉफ्ट होता है तो वो टूटने लगता है जब आप उसे काटते हो। थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे तो फिर ऊपर की जो परत है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी और केक बड़े प्यार से कटेगा और यम्मी लगता है थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाने के बाद। और यहाँ पे बस मैं बच्चों को खाना देने की तैयारी कर रही हूँ। रायता सर्व कर दिया है, पुलाव मैं सर्व कर रही हूँ। ये तीनों ही रेसिपी माइंड ब्लोइंग है, और ये आलू मटर की तहारी कह लीजिए आप इसे, आलू मटर का पुलाव कह लीजिए विद बथुआ का रायता, नॉर्थ इंडिया में इन सर्दियों में बहुत फेवरेट है। ज़्यादातर दिनों में लंच या डिनर यही होता है, आप ट्राई कीजिएगा।
और मेरे साथ आपकी बनाई हुई डिशेस की फ़ोटो इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा, वहाँ मैं आपकी बनाई हुई शेयर की हुई डिशेस को हाईलाइट करती हूँ। बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है मेरी बनाई रेसिपीज़ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उन रेसिपीज़ की फ़ोटो देखना। तो बस सानवी खुशी को मैं खाना सर्व कर रही हूँ और उनको दे रही हूँ केक। यह है सानवी खुशी का और ये छोटू सा मेरा। अरे रायता पहले फिनिश कर लिया बेटा, बाकी पुलाव कैसे खाओगे? हाउ वाज इट? यम्मी। रायता भी यम्मी? उसमें तो कुछ ग्रीन ग्रीन नहीं है। क्या है? है ग्रीन लीफी वेजिटेबल। आपने बताया था मुझे कुछ भी से था। अच्छा जब आज सुबह कर रही थी सब। बथुआ अच्छा लगा टेस्ट? हाँ। ज़्यादातर बच्चों को सब्जियाँ पसंद ही ना आती। राइस तो तुम्हें पसंद है, दैट तो आई नो। ओह केक वाली लड़की। आई नो हर बच्चे को केक्स कुकीज नूडल्स कौन सा बच्चा होगा जैसे नहीं पसंद होंगे। और ये तुम लोग कल स्कूल भी लेकर जाओगे, सुबह डब्बे में दूंगी ये केक। केक राइस नहीं है, सुबह कुछ और बनाऊंगी। नाइस फूड ना। अच्छा चलो खाना खाने के बाद क्या करना है? ब्रश करना है, जाके नन्ना करना है। हाँ फिर बेटा फिर सुबह बहुत मुश्किल होती है, तुम जागते नहीं हो। चलो तो हम व्लॉग एंड कर रहे हैं। बाय द वे एक मिनट, ये आप देख रहे हो ये हैं चने। सानवी खुशी के कराटे वाले सर ने बोला है कि चने खाने का एवरीडे, तो सानवी खुशी ने मुझे बोला मामा चने ला के दो, तो मैंने चने ला के दिया है। बच्चे खाते भी हैं, थोड़ा खाते हैं, उनको टेस्ट उतना अभी उनको आदत नहीं है, पर खाते ज़रूर हैं। एंड मुझे किसी ने पूछा था क्या सानवी खुशी को उनका कराटे क्लास अच्छा लगता है, तो आप इन्हीं से सुनिए, बताओ कैसा लगता है। ये कैसा रिएक्शन था? अच्छा लगता है। मीन्स मैं सोची थी कि एटलीस्ट उसमें दर्द होता है, हम लोग मीन्स थक जाते हैं। हाँ बस एक वो पार्ट अच्छा नहीं कि तुम थक जाते हो। हाँ। बाकी वैसे तुम्हें वो अच्छा लगता है। हाँ। अंशा खुशी खुशी शर्मा व्हाट इज योर ओपिनियन केक वाली लड़की? अच्छी है क्लास। और कल फिर से क्लास है, आज है वेडनेसडे ना। हाँ, तो थर्सडे को फिर से क्लास है। और फिर बच्चे खिया करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खिया बाय द वे? एक्चुअली उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो बस स्ट्रेंथ के लिए। तुझे कैसे पता? यस सर ने यही बताया। बेटर आस्क योर टीचर्स, अगर पूछेंगे नहीं तो जवाब कैसे मिलेगा, है ना। चलो हम व्लॉग एंड कर रहे हैं, से बाय टू ऑल। बाय, हम व्लॉग एंड कर रहे हैं, मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। ओके बाय। ओह फिर से केक वाली लड़की। थैंक यू। ओके बाय बाय।